विंटर्स में हमारी एड़ियां अक्सर फट जाया करती हैं बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होने की वजह से, और विंटर्स में स्किन ड्राई होना आम बात है, और एड़ियां कभी कभी इतनी ज्यादा फट जाती हैं कि उससे खून भी आने लगता है और हमें चलने में तकलीफ होती है। तो आज के वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा क्रीम जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो ये फटी एड़ियों की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपकी एड़ियां फिर से नर्म और मुलायम हो जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज मैंने अपने वीडियो में किस तरह से इस क्रीम को तैयार किया है। हेलो एवरीवन, मैं अपराजिता और आज मैं लेकर के आई हूँ फुट क्रीम बनाने की रेसिपी। और इसमें जो भी चीजें लगती हैं वो सारी चीजें हमारे घर में होती हैं, जैसे कि ये वैक्स यानी कि कैंडल, और उसके साथ ही नारियल का तेल, सरसों का तेल और एलोवेरा। अगर आपके घर में पौधे में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाजार के खरीदे हुए जो एलोवेरा क्रीम वगैरह आते हैं, जेल आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कपूर की एक गोली, जो कि जो फंगल इन्फेक्शन हमारे पैर में हो जाते हैं जिसकी वजह से पैर में फटने में बिवाइयां वगैरह हो जाती हैं, खून निकलने लगता है, तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए पहले जो ये वैक्स है इसे हम किसी चाकू या पीलर की सहायता से पतले पतले टुकड़ों में इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि इससे हमें नाप लेने में आसानी होगी, क्योंकि इस क्रीम में नाप का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज हमें एक नाप के हिसाब से लेनी है। और अपने हिसाब से अगर हम ले लेंगे, जैसे कि वैक्स ज्यादा हो गया तो जो क्रीम बनेगी वो बहुत हार्ड हो जाएगी, और अगर तेल ज्यादा हो गया तो फिर हमारा जो क्रीम होगा वो रनी हो जाएगा, वो क्रीम अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें चाकू की सहायता से खुरच करके और वैक्स को जमा कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वैक्स को इस तरह से चाकू की सहायता से खुरच लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है मेजरिंग कप। मेजरिंग कप में जो बड़ा वाला होता है वो कप नहीं है, ये उससे छोटा वाला कप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा भरा हुआ नहीं है, ये पूरी तरीके से इसे मैंने नहीं भरा है, ये थोड़ा सा कम ही है। तो जितना भी क्रीम आप बना रहे हैं उसी के हिसाब से हमें वैक्स लेना है, और फिर ये जो एलोवेरा जेल है इसके जो साइड के पार्ट है इसे मैं काट करके निकाल दूंगी, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसे साइड के पार्ट को काट के मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। कभी भी जब भी एलोवेरा हम यूज करते हैं तो इसके साइड के पार्ट्स को इसे हमें सबसे पहले हटा देना चाहिए। और अब इस ऊपर के छिलके को भी मैं निकाल लूंगी, और इसके अंदर का जो जेल है हमें सिर्फ वो ही यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा जेल यहाँ पे मेरे पास है, और अब मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने ऐसे कटोरी में निकाल लिया है, और इसी तरह से जितना भी एलोवेरा होगा मैं निकाल लूंगी। और अब एक पैन लेना है, उसे गैस पे मैंने रख दिया है, और उसमें मैंने डाल दिया है ये वैक्स, और अब मैं इसी कप से नाप करके एक कप सरसों का तेल इसमें ऐड कर रही हूं। और सरसों का तेल ऐड करने के बाद हमें इतना ही नारियल का तेल इसमें ऐड कर देना है। नारियल का तेल और वैक्स दोनों की के इसमें होता है, ये दोनों जमते हैं, और जो ये सरसों का तेल होता है ये जमता नहीं है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी एलोवेरा जेल, और इसे डाल करके हमें अच्छे तरीके से मिलाना है, और मिलाते हुए हमें इसे वैक्स को पूरा घुलने तक इसे गर्म करना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इसमें इसे पकाना है, ताकि ये जो भी मिश्रण है ये अच्छी तरीके से इसमें घुल मिल जाए, क्योंकि इन तीनों में जो है वैक्स और नारियल तेल तो जम जाता है, लेकिन जो सरसों का तेल होता है वो जमता नहीं है, लेकिन मॉइस्चर का बहुत अच्छा स्रोत होता है सरसों का तेल, जो कि हमारे पैर की फटी एड़ियों में बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एलोवेरा का जेल का जो मैंने पार्ट डाला था उसके कुछ पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि बिल्कुल ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और ये एलोवेरा जेल के जो पार्ट्स दिख रहे हैं वो दिखेंगे भी नहीं। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल ना हो तो आप इसके बदले जो एक विटामिन ई की कैप्सूल आती है बाजार में, आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे इसे लगातार चलाते हुए और गर्म करते जाना है।
बस हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि जो जितनी भी चीजें मैंने इसमें डाली हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाए। और अब ये गर्म हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का उबाल भी आने लगा है, तो गैस को बंद करके मैंने इस पतीले को नीचे कर लिया है। और अब हमें इसे ठंडा होने तक लगातार इस तरह से घुमाते रहना है। और जो कपूर की डली मैंने रखी थी वो कपूर अभी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये बहुत गर्म है और कपूर अगर हम अभी डाल देंगे तो उसका जो भी इफेक्ट आना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो जब ये तेल हल्का सा गुनगुना रहेगा उस वक्त हम इसमें कपूर डालेंगे। और कपूर जो होता है वो फंगस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और किसी भी तरह का अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसमें कपूर बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे अब ये मिश्रण गुनगुना हो गया है, तो इसमें मैं कपूर को थोड़ा सा बारीक पीस करके और इसमें मिला दूंगी। और चूंकि इसे हमें लगातार चलाते रहना है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो इसमें से जो सरसों का तेल है वो ऊपर आ जाएगा और वैक्स और नारियल तेल नीचे जम जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इस प्रोसेस में काफी देर लग रहा है तो इसके लिए आप किसी भी बड़े पतीले में या परात में थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी ले लें और फिर उसमें इस बर्तन को रख देना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का पानी ले लिया है एक परात में और इसमें इस बर्तन को रख दूंगी। और आप देखेंगे कि रखने के साथ ही जो वैक्स है वो नीचे से जमना स्टार्ट हो जाता है। और अब हमें तेजी से अपना हाथ घुमाते हुए इस मिश्रण को अच्छे तरीके से मिला लेना है। लगातार मिलाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में आने लगा है और अच्छे तरीके से जमने तक हमें इसे मिलाते रहना है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एलोवेरा के कण वगैरह हैं वो भी सब इसमें मिक्स होते जा रहे हैं। और इस तरह से हमें इसे लगातार मिलाते रहना है जब तक कि जितना हमें चाहिए उस कंसिस्टेंसी में ये आ ना जाए बिल्कुल क्रीम की तरह। हमारी क्रीम बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। उसके बाद हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जो कि साफ सुथरी बॉटल हो, खास करके कांच की बॉटल में आप इसे स्टोर कर सकते हैं और आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और पूरी सर्दियों एक बार बना करके आप पूरी सर्दियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने फटे एड़ियों की शिकायत से भी, समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रीम बनकर के तैयार हो गई है और इसे कभी भी आप दिन में, रात में, कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो, अपने पैर को अच्छे तरह से धोने के बाद, थोड़ा सा रब करने के बाद ये क्रीम लगा करके और आप सॉक्स पहन लें, 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आपके पैर में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको और आपकी जो फटी एड़ियों की शिकायत है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। बस इसे हमें किसी ठंडे जगह पर रखना है और इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस क्रीम को आजमाकर आप भी अपनी फटी एड़ियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे फिर किसी अन्य उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।